हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर जारी सरगर्मी के बीच अब किसानों को लुभाने के लिए राज्य के सीएम नायब सिंह सैनी ने बड़ा ऐलान किया है और कहा कि सरकार प्रदेश भर में सभी फसलों को अब न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीदेगी। यहां गौर करने वाली बात यह है कि हरियाणा में पहले से ही 14 फसलों की एमएसपी पर खरीद होती थी। सीएम नायब सिंह सैनी ने रविवार को कुरुक्षेत्र में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए किसानों को साधा। उन्होंने किसानों का 133 करोड़ 55 लाख रुपए का कर्ज माफ करने का भी ऐलान किया। इसके साथ ही कहा कि किसान पुराने बंद हो चुके ट्यूबवेलों को दूसरी जगह लगा सकेंगे। नायब सिंह सैनी हरियाणा बीजेपी की ओर से कुरुक्षेत्र में आयोजित म्हारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा विजय शंखनाद रैली के मौके पर उपस्थित पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ये ऐलान किए। बता दें, नायब सिंह सैनी को इस साल मार्च में मनोहर लाल खट्टर की जगह पर मुख्यमंत्री बनाया गया है। इससे पहले वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कुरुक्षेत्र के सांसद थे। बीजेपी ने सैनी को ही विधानसभा चुनाव में पार्टी का चेहरा बनाया है। नायब सिंह सैनी के इन बड़े ऐलानों के बाद ये सवाल हरियाणा की राजनीति में उठ रहा है, क्या किसान अब बीजेपी का विरोध करना छोड़ देंगे? क्या वो शांत हो जाएंगे? क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के उम्मीदवारों को किसानों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा था। कई लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी उम्मीदवारों को इस वजह से चुनाव प्रचार में खासी मुश्किल के सामना करना पड़ा। ऐसे ही पंजाब में भी हुआ। दरअसल साल 2020 में जब कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब के किसान दिल्ली पहुंचे थे तो उन्हें हरियाणा के किसानों की ओर से जबरदस्त समर्थन मिला था। उस दौरान बीजेपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित पार्टी के कई बड़े नेताओं को किसानों के गुस्से का शिकार होना पड़ा था। हालांकि मोदी सरकार ने बैकफुट पर आते हुए कृषि कानूनों को वापस ले लिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के प्रचार में और नतीजों में किसानों का गुस्सा साफ दिखाई दिया। हरियाणा के किसान बेल्ट में आने वाली सीटों सोनीपत, रोहतांग, हिसार में बीजेपी हार गई थी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 5 सीटें गंवानी पड़ी। वोट शेयरिंग के मामले में भी उसे जबरदस्त नुकसान हुआ था। फिलहाल हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच विधानसभा का चुनावी रण काफी टक्कर वाला माना जा रहा है, जिसके चलते सीएम सैनी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है और किसानों को खुश करने की कोशिश की है। अब ये तो आने वाला विधानसभा चुनाव ही बताएगा कि सीएम सैनी का ये दाव काम कर पाता है या नहीं।